हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 के इतिहास के प्रथम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से अति लगे उत्तर या प्रश्न जो एग्जाम्स में 2 अंक के पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम 5 प्रश्न लिए हैं जिनका बारी बारी से हम आंसर दूंगा। यदि आप उस तरह से एग्जाम्स के पेपर में लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने की संभावना है। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले हम जान लेते हैं कहाँ हुआ। तो राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले पुनर्जागरण काल से यूरोप महादेश में हुआ। यूरोप महादेश में कहाँ पर? यूरोप महादेश में। तो राष्ट्रवाद क्या है? तो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति हम कह सकते हैं प्रेम भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। अर्थात राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिससे व्यक्ति अपने राष्ट्र, अपने राज्य के प्रति प्रेम भावना, एकीकृत आदि, मतलब मेल मिलाप वाले भावों को व्यक्त करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। यदि हम इसे एग्जाम्स में लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं, राष्ट्रवाद ऐसी विचारधारा है जो किसी विशेष भौगोलिक, राजनीतिक अथवा सामाजिक परिस्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के में एकता की वाहक बनती है। अर्थात हम कह सकते हैं उसके प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की जागरूकता होती है, उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। यानी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। उसके बाद मेजनिक कौन था? मेजनिक कौन था? तो मेजनिक कौन था, आइए हम इसका आंसर जानते हैं। तो मेजनिक एक साहित्यकार था। मेजनिक एक इटली में साहित्यकार था, साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचारों के समर्थक, एवं साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। मेजनी कौन था? तो मेजनी इटली में साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इटली में कहां पर, ये इटली में एक गुप्त दल था, एक गुप्त दल, गुप्त दल कार्बोनरी। उस दल का क्या नाम था? कार्बोनरी। गुप्त दल कार्बोनरी का क्या था? सदस्य था, कार्बोनरी का सदस्य। मेजनी जो था यूरोप में एक गुप्त दल कार्बोनरी का क्या था? सदस्य था। प्रश्न यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि गुप्त दल कार्बोनरी से संबंध किस क्रांतिकारी का है? तो किसका है? मेजनी का। किसका है? मेजनी का। या ऐसे पूछे जा सकता है कि मेजनी का संबंध किस गुप्त दल से है? तो कार्बोनरी से। तो इसका 2 नंबर का जब प्रश्न आए इससे, तो हम कैसे लिखेंगे एग्जाम्स में? तो मेजनी एक गणतांत्रिक एवं राजनीतिक विचारों का समर्थक था। मेजनी एक गणतांत्रिक एवं राजनीतिक विचारों का समर्थक था जो इटली में गुप्त दल कार्बोनरी का एक सदस्य भी था। इसने 1830 ईस्वी में एक नागरिक आंदोलन की स्थापना की, जिसमें इन्हें क्या हुए, मेटरनिक के कारण, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक के कारण इन्हें पराजय मिल गए और यह इंग्लैंड को पलायन हो गए। पुनः मेटरनिक का जब 1848 ईस्वी में पतन हो गया तो पुनः वे ये इटली आए और फिर से आंदोलन शुरू कर दी, परंतु इन्हें फिर से क्या हो गई, असफलता मिल गई। तो मेजनी कौन था, इसका आंसर देख लेते हैं अच्छे से। तो मेजनी कौन था? मेजनी इटली में गुप्त दल कार्बोनरी का एक सदस्य था जो राजनीतिक गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और यह एक साहित्यकार भी था। तो मेजनी कौन था, इसका आंसर हो गया। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं सबसे बड़ी बाधा थी कि यह 300 से अधिक, यह 300 से अधिक, 300 से अधिक बड़े, सॉरी 300 से अधिक छोटे राज्यों में विभक्त थी, 300 से अधिक छोटे राज्यों में विभक्त थी। जर्मनी जो था एकीकरण से पूर्व लगभग 300 से भी अधिक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थी, जिसको एकीकरण, जिसको मिलाना मुश्किल था। और इसके बाद इस पर
ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, किसका? मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का हस्तक्षेप था। यानी हम कह सकते हैं जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो सबसे पहली बाधा हुई कि यह 300 से भी अधिक राज्यों में विभक्त था। उसके बाद इस पर ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का क्या था? हस्तक्षेप था, यानी उस पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। उसके बाद आगे देखें तो इटली में, सॉरी जर्मनी में राष्ट्रवाद के भावनाओं का अभाव था। यानी अपने आप में जो जागरूकता होती है, जागरूकता का अभाव था। यानी जो परिस्थिति थी उसका सही तरह से साथ नहीं मिल रहा था। जैसे ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप है जर्मनी में, परंतु जर्मनी के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो इसको इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इसलिए जर्मनी के एकीकरण की बाधा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसके बाद मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी स्वरूप, यानी हम एक साथ देखें जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं, तो सबसे पहली बार बाधा है कि 300 से भी अधिक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थी। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रवाद के भावनाओं की कमी थी। उसके बाद मेटरनिक का जो प्रतिक्रियावादी स्वरूप था उसके कारण, और यहाँ पर कह सकते हैं समाजवाद की भी कमी थी। इसलिए जर्मनी की एकीकरण जल्दी संभव नहीं था। उसके बाद मेटरनिक युग क्या है? ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, मेटरनिक युग क्या है? तो मेटरनिक युग ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? मेटरनिक। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हो गया, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के शासन काल को क्या कहते हैं? मेटरनिक युग। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, चांसलर मतलब होता है प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उसके शासन काल को हम क्या कहते हैं? मेटरनिक युग। और यह युग 1815 से 1848 ईस्वी तक है। और यह युग कब तक है? 1815 से 1848 ईस्वी तक, क्योंकि ऑस्ट्रिया में मेटरनिक का आगमन कब हुआ? 1815 में, और उसका पतन कब हुआ? 1848 में। तो हम ऐसे कह सकते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के शासन काल 1815 से 1848 तक के युग को, 1815 से 1848 तक के युग को हम क्या कहते हैं? मेटरनिक युग। क्या कहते हैं? मेटरनिक युग। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि वह ऑस्ट्रिया का चांसलर कब बना? 1815 में, और उसका पतन कब हुआ? 1848 में। उसके बाद हम देख लेते हैं वियना सम्मेलन क्या है, वियना सम्मेलन क्या है? तो वियना सम्मेलन जो है ऑस्ट्रिया के, कहां पर? ऑस्ट्रिया के राजधानी, ऑस्ट्रिया का राजधानी कहां पर है? वियना। ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में जो सम्मेलन हुआ था, वियना में एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? कि नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध ने पूरे यूरोप को पूरी तरह से पुरातन व्यवस्था को छोड़कर नई व्यवस्था में लेकर चला आया था। जैसे पुरातन व्यवस्था जो थी राजतांत्रिक, इस व्यवस्था को बदल के गणतांत्रिक सत्ता का स्थापन मतलब कर दिया था। और जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था वो सोच रहा था कि हम इस यूरोप को पुनः पुरातन व्यवस्था में ले जाए, अर्थात जिस यूरोप को नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध ने अस्त व्यस्त कर दिया है, उसे पुनः उसी परिस्थिति में ले जाना। किसका उद्देश्य था? मेटरनिक का, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का। इसके लिए उन्होंने अपने राजधानी वियना, यानी ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में एक सम्मेलन स्थापित किया, एक सभा स्थापित किया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वियना सम्मेलन के नाम से। तो ये जो 5 प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट से, जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है इन 5 प्रश्नों के आंसर आप आसानी से समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही समझने में तो हमें कमेंट करके पूछे।